जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्ज मुक्ति कैसे हो सके। ऋण से मुक्त होने के लिए कुछ घरेलू उपायों का वर्णन किया जा रहा है, वो सुनिए। यदि कहीं आपको पीपल या बरगद का पेड़ दिखाई दे जाता है, तो उसके नीचे बैठकर घी का दिया जला करके ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इससे घोर गरीबी का नाश होगा। बाजार में किताब मिल जाती है, गीता प्रेस की दुकान पर किताब मिल जाती है। दिया जला करके रखें, धूप बत्ती भी जला सकते हैं। और रोजाना एक गणेश स्तोत्र का पाठ, ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे बहुत जल्दी कर्जे का निपटारा हो जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, वो ये है कि आमदनी के हिसाब से ही खर्चा कीजिएगा। इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा जरूर ध्यान दें। कुछ ऋण होने के कुछ और भी कारण हो जाते हैं, जिनको आपने अपना बॉस रखा है, उनको आपने पैसा दे दिया, ब्याज पे दे दिया। ब्याज तो छोड़िए, मूलधन भी वापस नहीं आया। उनके नाम आपने जमीनें रजिस्ट्री करा दी हैं, प्लॉट रजिस्ट्री करा दिए, और आज के समय में व्यक्ति को बेईमान होने में देर नहीं लगती। तो इससे भी तो लोगों का देवाला निकल रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि पत्नी के नाम प्रॉपर्टी कर दी है। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं, पति और पत्नी का, दोनों का कितना स्नेह प्रेम है। कल मेरे पास कोई फोन था, मैं बड़ा परेशान था। वो कहता है कि महाराज जी, मैंने 3 प्लॉट कर दिए पत्नी के नाम। ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, अब तलाक देने की स्थिति बन गई है। थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। जब ये मन मुताबिक है, शादियां होती हैं, तभी ये सब चीजें बनती हैं। इसलिए कृपया इसमें जरूर आप सावधान रहिए। और मैंने तब बोला कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि ऐसी शादी तुम कर क्यों रहे। माता पिता के हिसाब से शादी हो, या अपनी परंपराओं के अनुसार यदि कोई शादी हो, तो रिश्ते टिकाऊ होते हैं। कर्जे से मुक्त होने के लिए कुछ बातों को मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। और उसमें बहुत सी बातें हैं, उसमें ये भी एक बात है कि उतना ही ऋण ले लीजिए जिसका आप चुकता कर सकें। कहते हैं गांव की भाषा है, पाम उतने पसारो जितनी लंबी चादर है। हाँ, या तो इतना सामर्थ्य तो तुम में हो कि जितने लंबे पाम है, चादर भी उतनी लंबी आप बना ले। चादर है छोटी और पाम करते हो लंबे, तो चादर तो पड़ेगी, तुम्हारे पाम बाहर पड़े रहेंगे। या फिर तुम्हारे पास में इतनी अद्भुत तुम्हारे पास की में इतनी अद्भुत छवि है, तुम्हारा इतना नाम है कि चादर ही लंबी बनवा दो, फिर तो वो तो बात अलग है। अमावस्या के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना देने से, मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन देने से, इससे भी कर्जे का निवारण होता है और घर में बिल्कुल बरकत होती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के ऊपर घी चढ़ाएं, श्री सूक्त का पाठ करें, तो इससे भी घर में बिल्कुल बरकत होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना दाहिना चरण जमीन पर रखिए, तो वो इससे भी बरकत होती है, कर्जे का निवारण होता है। धरती माता को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, वो भी निवेदन बहुत अद्भुत है। भगवान महादेव के ऊपर प्रत्येक दिन भले ही थोड़ा सा दूध आप चढ़ाएं, जल में मिला करके चढ़ाइए। भगवान शंकर के ऊपर प्रत्येक दिन चढ़ाइए, दूध कच्चा जल में मिला करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। दिया जला के रख दीजिए, तो हो सके आपसे तो एक बेल पत्र भी चढ़ाइए। इससे ऋण मुक्ति हो जाएगी, इससे कर्जे का निपटारा हो जाएगा। भगवान गणेश जी के ऊपर 21 दुर्वा चढ़ाने से, इससे भी ऋण मुक्ति होती है। आंवले का दान करने से भी ऋण मुक्ति होती है, आंवले के पेड़ लगाने से भी ऋण मुक्ति होती है। देखिए ये कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं, ये आप कर सकते हैं। तो ये कर्ज लेने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कर्ज दे दिया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा फालतू में खर्चा बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैंने एक बार पहले भी बोला है, यह है कि अपनी तिजोरी में एक सुपारी जरूर है, बहुत बरकत का कारण है। बहुत लोग उसमें श्रीयंत्र भी रख लेते हैं, रख लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपनी तिजोरी में आप गोमती चक्र रखिए, ये सब श्री युक्त है, ये सब श्री देते हैं। हर महीने की दोनों पक्षों को त्रयोदशी पड़ती है, उसमें आप कुछ ही समय के लिए आप प्रदोष आरंभ कर दें। सभी भक्त लोग सुन पाएंगे, प्रदोष का व्रत करने से घोर गरीबी का नाश होता है। जो प्रदोष का व्रत किए हैं, उनके धन आने की स्थितियां बन गई हैं। पैसा आकाश से तो नहीं टपकता है, लेकिन पैसा आने के प्रमुख कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रदोष के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। आप 1 ही साल के लिए कर लीजिएगा, सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, आप ऋण मुक्त हो जाए, आपका कर्जा निपटारा हो जाए। तो उसके लिए मैंने काफी बातें बताई हैं, उसमें एक प्रदोष का व्रत भी है, जिस व्रत को करने से घोर गरीबी का नाश होता है, कर्जे का निपटारा होता है।
आज बहुत लोग बड़े तबाह हो गए हैं, कर्जा चुक नहीं पा रहा है। आपने बहुत उपाय किए हैं, तो एक बार इस वीडियो को सुन करके यह भी उपाय कर लीजिएगा जिससे कर्जे की निवृत्ति हो जाएगी। जिनसे लिया है उनको जल्दी से चुकाने की कोशिश कीजिएगा, मन बनाइए चुकाने का। इससे घर में बहुत बरकत होती है। घर में यदि कोई वृद्ध है तो उन बूढ़ों की सेवा करने में बिल्कुल कमी नहीं रखिएगा। कभी भी नारी का अपमान मत कीजिएगा, बेटियों का आदर करें, बेटियों से पाम न छुपाएं। फिर देखिए किस तरीके से फिर कर्जे का निपटारा होता है, कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र की भी बात कही है जिसे आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारा मेन चैनल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल आप सुन पा रहे हैं, उसी के माध्यम से कुछ बातें आपके पास तक भेजिए। वीडियो में कुछ भी खास लगा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे भी भेजिए जिससे और भी लोग इसे लाभान्वित हो सके। मैंने शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर घी छोड़ने की बात कही गई थी, ये बातों को भूलिएगा नहीं। आपकी प्रोग्रेस हो, आपका उत्कर्ष हो तो उसमें हमें बहुत आनंद आवेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए।